सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की तकरीब हलफ बर्दारी आज हो रही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वफाकी वजारत कानून और इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानेंगे, हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी खातून जज जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज लगाया गया। आपको बताएं कि जस्टिस आयशा मलिक की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीब हल्फ बर्दारी सादा और पुरवकार अंदाज में की गई है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर बाजाबता तौर पर वजारत कानून ने जुमे के रोज जज आयशा मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट की जज एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद आज उनकी जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है, इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो उनसे उनके ओहदे से मुतालिक जो हल्फ हैं वो उठवा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जस्टिस आयशा मलिक इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज काम कर चुकी हैं और उनकी बहुत सी जो ऐसे फैसले हैं काफी बासर रहे, जिनको अदालती नजीरों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उनकी नामजदगी को लेकर मुख्तलिफ जो वकला तंजीमें हैं, जो वकला के हल्के हैं, उनमें काफी ज्यादा जो मुख्तलिफ तरह की जो कयास सराइयां थी वो जन्म लेती रहीं। काफी सारे लोगों ने उनकी काबिलियत के हवाले से भी सवाल उठाए, लेकिन वजीर कानून फरोग नसीम की जानिब से कहा गया था कि ऐसा किया जाएगा कि पहली बार किसी जज खातून जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाएगा। तहम काफी सारे जो बार एसोसिएशन के इजलास और जुडिशियल कमीशन के इजलास भी होते रहे, बारहा जो जस्टिस आयशा मलिक है उनकी तकरीर पर काफी सारे सवाल भी उठाए गए, लेकिन उनकी जो बाजाबता तौर पर नोटिफिकेशन है वो सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून की जानिब से जुमे के रोज जारी किया गया और आज एक सादा और पुरवकार तकरीब जो है वो मुनाकिद की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में उनकी हल्फ बर्दारी से मुतालिक। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी खातून को पहली बार जो जज है उसके हैसियत में सामने लाया गया है। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीखी बुनियाद पर देखा जाए तो पहली उन जज है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपनी जो खदमात हैं उनका काम करती रहेंगी। और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा बताते चलें, जस्टिस आयशा मलिक इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज जो हैं वो काम करती रहीं और उनके बहुत सारी ऐसी अदालती फैसले जो हैं वो अदालती नजीरों के तौर पर भी इस्तेमाल होते रहे। और बहुत शुक्रिया नीलम अरशद, तफसीली अपडेट करने के लिए मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे।